कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग इंस्टाग्राम पे आईडी तो बना लेते हैं, लेकिन फिर कोई भी सिचुएशन या कोई ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से हम लोग उस आईडी को इंस्टाग्राम से डिलीट करना चाहते हैं। तो आज दोस्तों मैं आज इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम पे बनी हुई आईडी को कैसे डिलीट कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलिए अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से हम लोगों को अपनी इंस्टाग्राम आईडी को है वो डिलीट करना पड़ता है, लेकिन जैसे हम लोग इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं या उसको खोलते हैं तो हमें कहीं भी ऐसा ऑप्शन नज़र नहीं आता जिसकी वजह से हम लोग उस आईडी को डिलीट कर सकें। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही आसान और ईजी तरीके से अपने इंस्टाग्राम आईडी को डिलीट कर सकते हो, वो भी परमानेंट। तो कैसे करेंगे आइए जानते हैं, देखिए स्क्रीन के ऊपर वीडियो। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ मेरी इंस्टाग्राम जो आईडी है उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का डिलीट या फिर मान लो कि उसके अंदर कोई भी डिसेबल का ऑप्शन नहीं दिखाई देता। तो मैं यहाँ पीपल पे कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे करूँगा एडिट प्रोफाइल पे। तो मुझे कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से मैं अपना अकाउंट है वो डिलीट कर पाऊँ यहाँ से परमानेंट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो आइए सबसे पहले अपने फ़ोन का है वो ब्राउज़र है वो सबसे पहले ओपन करना है आपको। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको वहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम। जैसे ही आप इंस्टाग्राम सर्च करोगे तो इंस्टाग्राम खुल जाएगा। ये मेरी आईडी पहले से लगी हुई है, ध्यान से सुन लेना। यदि आपकी आईडी लॉगिन नहीं है तो आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी और उसके पासवर्ड लगा के लॉगिन करना है, ठीक है। ये मेरी वाली आईडी है वो पहले से लॉगिन है यहाँ पे, इसीलिए ये खुल गई है, लेकिन आपको यहाँ पे लॉगिन करना है इंस्टाग्राम आईडी। अब करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक पीपल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको वहाँ पे करना है एडिट प्रोफाइल। जैसे आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो नीचे नीचे नाम आ रहा है टेम्परेली डिसेबल माई अकाउंट, तो यहाँ पे आपको ओके करना है। और एक बार यहाँ पे आप कोई भी जो अपना है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप चाहो तो या जो भी रीज़न देना चाहो दे के यहाँ टेम्परेली डिसेबल कर देना है। तो यहाँ पे आपको टेम्परेली डिसेबल कर देना है और यहाँ पे आपको जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डालने हैं। मैंने यहाँ पे तो मैं अपने पासवर्ड लगा रहा हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद आपको यहाँ पे टेम्परेली डिसेबल दिस अकाउंट कर देना है, तो आपका जो अकाउंट है वो टेम्परेली डिसेबल हो जाएगा। और टेम्परेली की जगह आपको जैसे आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा। और यदि पूरा डिलीट करना हो तो टेम्परेली की जगह परमानेंट आप कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अच्छा लगा, आपको नॉलेज मिल रहा है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक तो बनता है। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा। तो जाइए, कोई भी आपके टेक्निकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो वेट कर रहा हूँ आपकी कमेंट का। धन्यवाद।